नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे आज मेष राशि की। मन अशांत रहेगा, नौकरी में परिवर्तन के योग बने हैं। आत्मविश्वास से तो लवरेज रहेंगे, लेकिन आत्म संयत रहेंगे। धर्मशीलता में कमी आएगी। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। आय में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य प्रेम व्यापार सब अच्छा है। अब बात वृष राशि की। मानसिक शांति तो रहेगी, परंतु अपनी भावनाओं को वश में रखें। आत्मविश्वास से लवरेज रहेंगे। माता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। पिता का सानिध्य एवं सहयोग मिलेगा। धार्मिक कार्यों में व्यस्तता हो सकती है। अब बात मिथुन राशि की। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, परंतु क्रोध की अधिकता रहेगी। आशा निराशा के मिश्रित भाव मन में रहेंगे। स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा। किसी अज्ञात भय से परेशान हो सकते हैं। शैक्षणिक कार्यों में व्यवधान आ सकते हैं। अब बात कर्क राशि की। मन में नकारात्मक विचारों का प्रभाव हो सकता है। अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि होगी। परिश्रम अधिक होगा। खर्चों में कमी आएगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। सिंह राशि वालों की पारिवारिक समस्याएं परेशानी बन सकती है। धैर्यशीलता में कमी आएगी। व्यर्थ के झगड़े एवं विवादों से बचने का प्रयास करें। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। संतान को कष्ट होगा। पिता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। शैक्षणिक कार्यों में व्यवधान आ सकते हैं। अब बात कन्या राशि की। मन में शांति एवं प्रसन्नता के भाव रहेंगे। मन अशांत रहेगा। आत्मविश्वास में कमी आएगी। स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। नौकरी में इच्छा विरुद्ध कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। तुला राशि वालों की बात करें तो मन अशांत रहेगा। क्रोध के अतिरेक से बचें। पिता को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। मन अशांत रहेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। वस्त्र आदि पर खर्च बढ़ सकते हैं। वाणी में सौम्यता रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाहन सुख में कमी आ सकती है। वृश्चिक राशि वालों की बात करें तो मन अशांत रहेगा। माता को स्वास्थ्य विकार हो सकता है। आत्मविश्वास से तो लवरेज रहेंगे, लेकिन धैर्यशीलता में कमी ही रहेगी। माता को स्वास्थ्य विकार होने की संभावना है। दिनचर्या अस्त व्यस्त रहेगी। रहन सहन अव्यवस्थित रहेगा। शैक्षणिक कार्यों में कठिनाई आ सकती है। अब बात धनु राशि की। मानसिक शांति रहेगी। आत्मविश्वास से लवरेज रहेंगे। खर्चों में वृद्धि होगी। धार्मिक संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। कुटुंब की किसी बुजुर्ग महिला से धन प्राप्ति के योग्य बन रहे हैं। आय की स्थिति में सुधार होगा। संतान सुख में वृद्धि होगी। मकर राशि वालों के आलस्य की अधिकता रहेगी। पठन पाठन में रुचि रहेगी। धैर्यशीलता में कमी रहेगी। मन अशांत रहेगा। क्रोध की अधिकता रहेगी। अनियोजित खर्च बढ़ सकते हैं। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। किसी पुराने मित्र से भेंट हो सकती है। कुंभ राशि वालों की बात करें तो मानसिक शांति रहेगी। किसी मित्र के सहयोग से आय के स्रोत विकसित हो सकते हैं। मानसिक उलझने रहेंगी। मन में सकारात्मक विचारों का प्रभाव रहेगा। कार्य क्षेत्र की कठिनाइयां दूर होंगी। परिश्रम अधिक होगा। खर्च अधिक रहेंगे। सेहत का ध्यान रखें। अब बात मीन राशि वालों की। कला एवं संगीत के प्रति रुझान हो सकता है। मानसिक शांति रहेगी। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। किसी मित्र के सहयोग से आय के स्रोत विकसित हो सकते हैं। शणे रुष्टा शणे तुष्टा की मन शांति रहेगी। भाई बहनों का साथ मिलेगा। इसके साथ ही आज के सेगमेंट में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।